सो अल्फा मेल मैं समझ नहीं पाता हूँ, मैं अल्फा मेल के साथ में रिलेट नहीं कर पाता हूँ। मैं एक अभिनेता हूँ, मैं एक्टिविस्ट नहीं। मेरी सारी कहानियाँ एक गुस्से से आती हैं, एक सिस्टम को लेकर गुस्सा, हमने जितनी गलतियाँ की हैं एज अ कंट्री एज अ पीपल, उन सारी चीज़ों को लेकर गुस्सा। और मुझे हमेशा लगता है कि मर्द तभी मर्द है जब साथ में औरत है। इस बच्ची को लेकर के हमने 35 दिन 30 दिन शूटिंग की है। और सच बोलूं तो हर एक ऐसी फिल्म अज्जी भोसले और जोरम पे मेरा एक पुर्जा ऑलमोस्ट टूट गया। या तो मैं गली में जा करके झंडे उठाऊं। ये फिल्म बाकी महंगी फिल्मों से सस्ती है टिकट के मामले में, लेकिन कंटेंट के मामले में बहुत सारी बड़ी फिल्मों से बहुत बड़ी। नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। और मुझे या कहें जितने भी सिनेमा के प्रेमी, उन्हें ऐसा लगता है कि सिनेमा की भले ही मनोरंजन उसका काम है, लेकिन एक और बहुत जरूरी काम है हाशिए पे पड़े वो लोग जिनकी कहानी जिनकी बातें किसी के सामने नहीं आती, वो काम सामने लाने का काम करता है सिनेमा। इसीलिए इसे हर वर्ग के लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। और एक ऐसी एक कहानी है जोरम की, जो फिर से सिनेमा के ज़रिए ही हमारे सामने आ रही है, क्योंकि शायद अगर सिनेमा के ज़रिए नहीं होती तो मुश्किल होता सामने आने की। और इसके लिए धन्यवाद दो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इस खूबसूरत फिल्म को बनाया है। एक ऐसी फिल्म जिसे देश में भले ही हम अब देखेंगे, लेकिन विदेशों में और बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जिसकी बहुत तारीफ हो रही है, खड़े होकर लोग तालियां बजा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ खड़े होकर आपको पहले तो तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद जोरम बनाने के लिए। देवाशीष मखीजा जी हैं हमारे साथ, कैप्टन ऑफ द शिप, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। और दसरू का किरदार निभाने वाले मनोज बाजपेयी जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने बहुत खूबसूरत किरदार हमें सिनेमा में पहले ही दे रखे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मुझे मनोज सर आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि दसरू की जो कहानी है या जोरम जो ये कहानी है, दसरू बनना कितना मुश्किल था, स्पेशली जब एक 3 महीने की बच्ची को आप गोद में लेके एक पूरी एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो थ्रिलर है, जो समाज की कहानी कहती है, कितना मुश्किल था ये सफ़र? नहीं, बहुत ही मुश्किल। आपने तो फिल्म देखी है जी, आप समझ सकती हैं कि एक 3 महीने की बच्ची को लेकर के अगर मैं किसी के हाथ में दे दूं जो उसका बच्चा नहीं है, और मैं सिर्फ इतना कहूं कि 1 घंटे आप देखिए इसको, मैं आ रहा हूं, तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। और इस बच्ची को लेकर के हमने 35 दिन 30 दिन शूटिंग की है, और ऐसे ऐसे उसमें जो एक्शंस थे, ऐसे ऐसे एक्शन करने पड़े, मेरी जान हलक में अटक जाती थी बहुत बार। ऐसे दृश्य भी हुए जहाँ पर मैं थोड़ा सा खो गया परफॉर्मेंस में, अचानक से जब होश आया तो ऐसा लग कि ये मैं क्या कर रहा था, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि मैं भूल जाऊँ कि मेरी जिम्मेदारी पे एक 3 महीने की बच्ची है जिसकी माँ कैमरे के पीछे है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए मुझसे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तब मेरा कंसर्न था जो मैंने शेयर किया था देवाशीष के साथ, तो देवाशीष ने बहुत रिसर्च करके बहुत सारे तरीके निकाले, एक पूरी टीम बनाई जो अलग से सिर्फ उस बच्ची और उसके परिवार का देखभाल कर रही थी। सो नाइस। देवाशीष सर, आपको हम भोसले के लिए जानते हैं, आपको हम अज्जी के लिए जानते हैं, एक ऐसा सिनेमा जो जिसे लोग भर भर के ट्रकों में भर के नहीं देखने जाते, लेकिन जब भी देख के आते हैं तो वो उनके साथ रहता है। जब आप इस तरह के सिनेमा को बना रहे होते हैं एक निर्देशक के तौर पर, ये कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि इस फिल्म को आप थिएटर में लेकर आ रहे हैं, जब आप बनाते हैं क्या तब इस तरह की कोई सोच होती है, और ये कहानी क्यों चुनी आपने? मेरी सारी कहानियाँ एक गुस्से से आती हैं, एक सिस्टम को लेकर गुस्सा, हमने जितनी गलतियाँ की हैं एज अ कंट्री एज अ पीपल, उन सारी चीज़ों को लेकर गुस्सा। और ये मैं हर बार कहता हूँ कि स्टोरी टेलिंग मेरी वेपन ऑफ चॉइस है, कि मेरे पास और कोई जरिया नहीं है अपने गुस्से को दर्शाने का, तो मैं कहानियों में डाल देता हूँ। और सच बोलूं तो हर एक ऐसी फिल्म अज्जी भोसले और जोरम पे मेरा एक पुर्जा ऑलमोस्ट टूट गया है, तो कहीं ना कहीं एक कोलैटरल डैमेज होता ही है, क्योंकि वो इतने सालों का गुस्सा जब आप लोगों के साथ शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं से होकर ही निकलता है वो। बिल्कुल। तो उसका अफेक्ट तो पहले मुझ पर होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अफेक्ट सब पर हो। बिल्कुल होता है, बहुत होता है, मैं इसका सबूत हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं फिल्म देखती जा रही हूँ, वो कहते हैं ना वहाँ साड़ी से शुरू होता है, जैसे मैं सर को भी बता रही थी, वो साड़ी जब वो खरीदता है और उसी साड़ी में उस बच्ची को लेके पूरा सफ़र करता है। ऐसे छोटे छोटे, यहीं से मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी है,
जैसे ये जो 3 महीने की बच्ची है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका नाम जोरम है, इस बच्ची को रखना क्या ये एक मेटाफर है? क्यों, क्या ये दसरू जो है ये, क्योंकि एक थ्रिलर है, इसकी पत्नी की हत्या होती है, ये कहानी बिना उस बच्ची के भी कही जा सकती थी, इस मेटाफर को, इस बच्ची को वहाँ रखना कितना इम्पोर्टेंट था और क्यों? इसके दो कारण हैं। एक सबसे बड़ी कारण है कि यस, ये मेटाफर है, ये हमारे भविष्य का मेटाफर है, ये उस दुनिया का मेटाफर है जो एक हमारे कोक से निकला वो फ्यूचर जिसके बारे में हम सोच नहीं रहे, वो हम क्या लेगेसी छोड़ रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिए। हमारे चॉइसेस हमारे लाइफ टाइम में ही अनसस्टेनेबल है, हमारे बाद की लाइफ टाइम में हम कैसे ही जस्टिफाई करेंगे ऐसी चॉइसेस को। और दूसरी बात, हमने बहुत कोशिश की है इस फिल्म के साथ अपने दायरों को थोड़ा एक्सपेंड करने की, टू ट्राई टू रीच आउट टू मोर पीपल। और वो इमोशन इज द फर्स्ट थिंग दैट बिकम्स यूनिवर्सल, लोग इमोशन से जुड़ सकते हैं। यही फिल्म बिना बच्ची के एक थ्रिलर हो सकती थी। बट जैसे ही बच्ची आ गई और एक बाप और बच्ची इस पूरे चीज़ के बीच में आप जुड़ रहे हो एक बाप और बच्ची के साथ फर्स्ट, तो वो एक इमोशनली इंगेजिंग फिल्म बन गई, एक एक्सेसिबल फिल्म बन गई। बिल्कुल। और वैसे भी इस साल तो बाप और बेटे को लेके बहुत सारी फिल्में ऐसी आई हैं, हालांकि ये उस फ्लेवर की फिल्म नहीं है, ये बहुत ही अलग खूबसूरत मैसेज देती है। मनोज सर, जैसे हम बात भी कर रहे थे, जब मैंने ये फिल्म मैंने देखना शुरू किया, या कुछ जिन्होंने ट्रेलर भी देखा उनको समझ में आएगा कि दसरू माचो मैन नहीं है जी। वो एक सीन में जैसे बड़ा खूबसूरत सीन है कि जब कुछ भी बात हो रही है, आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉइलर, तो पत्नी बैठी है और वो बड़े खुलकर अपनी बात कह रही है और दसरू बड़े धीरे से पीछे कह रहा है। आदि आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे आई एम सो हैप्पी कि आपने जो है उस बात को जो है नोटिस किया। मुझे इतना मतलब मुझे क्योंकि आजकल अल्फा मेल और मर्दों की डेफिनेशन एक अलग चल रही है, ऐसे में कैसे मर्द को पोर्ट्रे करना जो पूरा चैलेंज खुद कर रहा है लेकिन फिर भी वो अल्फा मेल नहीं है, वो अपनी उस पत्नी उसकी बात कहती है, वो पीछे से अपनी बात कहता है, इस तरह के किरदार को निभाना क्या इसके लिए किस तरह की इंस्पिरेशन या कैसे देखते हैं इस सीन को या इन सारी चीज़ों? नहीं, मैं तो यही तो बात है, मैंने अपने पिता को अपनी माता के साथ देखा है। मेरे पिता जो हैं एक आइडल मैन थे मेरे लिए, और मैं उनका बेटा हूँ या मेरे भाई उनके बेटे हैं, तो हमारे परिवार में वो समानता देखी है और वो जो भी निर्णय है उसमें सबकी भागीदारी भी देखी है मैंने। तो मैं ऐसे परिवार में बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए हाँ जब भी कोई कहता है वुमेन एम्पावरमेंट तो मैं कभी रिलेट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैंने देखा है। उस औरत ने हमें पाला है, उस औरत ने हमें जन्मा है और हमने उसको देख के सीखा है, कभी हमें बिठा के ज्ञान नहीं दिया गया लेकिन हमने देख के सीखा है। वो रेफरेंस एक आइडियल मैन का मेरे फादर थे और बहुत ही डेमोक्रेटिक टाइप के आदमी। लेकिन और जो दसरू है और जैसा है, बिलीव मी माय फर्स्ट रेफरेंस वाज माय फादर, यू नो, मेरे फादर जो है हमेशा सेकंड सीट लेते थे, बिहाइंड द सीन हमेशा रहते थे वो, जो आगे रह करके बात करती थी वो मेरी माता थी। वो ज़्यादा अग्रेसिव थी, वो ज़्यादा बड़ा डिसीजन टेकर थी और ज़्यादा हर जो फैमिली में चीज़ होनी है या समाज से भी लड़ना है किसी के लिए तो वो लड़ती थी। तो ऐसी माता की औलाद हो तो मेरे पास में बड़ी नेचुरली इस इंग्रेडिएंट इन मी आई सो अल्फा मेल मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं अल्फा मेल के साथ मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ, चाहे मैं भले ही चेहरे से कितना भी अल्फा मेल लगूँ लेकिन मैं उससे कभी रिलेट नहीं कर पाता हूँ। ऐसे लोगों को अपने समाज में ज़्यादातर लोगों को देखा है कि इस तरह की अल्फा मेल है, और मुझे हमेशा लगता है कि मर्द तभी मर्द है जब साथ में औरत है। क्या बात है जी, कितनी खूबसूरत बात कही है। और जैसे आपने कहा ना, दरअसल वही बात है, हम अब सारे रेफरेंसेस अपने घरों में से ही लेते हैं और सेम गोज विद मी, क्योंकि जब मैं भी अपने पिता के बारे में याद करती हूँ तो मुझे याद है हम अपनी माँ से डरते थे और पापा को सारी बातें बता देते थे, सारे कांड हमारे पिता को पता होते थे। और मुझे आपकी किताब भी याद है जिसमें आपने अपनी माँ को एक शेरनी के तौर पर दिखाया, और अक्सर हमारी माएँ वही होती हैं। यहाँ से जैसे आपने जिक्र किया देवशीष जी कि आपके गुस्से से फिल्में निकलती हैं, और ये गुस्सा उस समाज, उस सोशो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए है जहाँ हम कई बार दब जा रहे हैं, वो बात नहीं कह पा रहे। मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे आज स्पेशली जब सोशल मीडिया हर आदमी एक अकाउंट खोल के गाली दे सकता है और हर आदमी आपको ज्ञान देता है कि आपको कैसा सिनेमा बनाना है, क्या करना है, ऐसे में एक एक्टर का और एक निर्देशक का
पॉलिटिकली ब्लंट होना या अपनी बात कहना कितना आसान है कितना मुश्किल है, आप दोनों जवाब दे सकते हैं। मेरा पहला मानना है कि मैं एक अभिनेता हूँ जी, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ। अगर एक्टिविज्म मेरे अंदर में बहुत सारी चीज़ों के लेकर गुस्सा रहा है, जैसे कि इसके अंदर में देवशीष के अंदर में इसके अंदर में अभी भी बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर में, वो माइल्ड हुआ है, थोड़ा चैनलाइज हुआ है, लेकिन अब उसको हम उसका ही दो ही तरीका है, या तो मैं गली में जा करके झंडे उठाऊँ या फिर मैं उस चीज़ के थ्रू एक्सप्रेस करूँ जो मैं भली भांति करता हूँ या जिसको मैं जिसमें मैं स्किल्ड हूँ, जिस क्राफ्ट में मैं 30-40 साल से काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू नो माय पॉलिटिकल आइडियाज़ और सोशल आइडियाज़ और सोशल रिस्पांसिबिलिटी और पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी, केयरफुली यू शुड लुक एट माय फिल्मोग्राफी। और मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं अपने कोई सफाई नहीं देनी कि मैं कहाँ खड़ा हूँ जी। मैं और मैं, मुझे समझने के लिए मेरा सिनेमा है, मेरी फिल्में हैं, मेरे चुनाव हैं जो आपको बताएंगे कि हम क्या हैं, क्या है हमारे आइडिया ऑफ द वर्ल्ड क्या है। क्या बात है। और मैं देवशीष जी से उनसे आंसर पूछूं, मैं यहाँ बस यही कहूँगी कि अपनी बात कहने के लिए एक ही बंदा काफ़ी है। जी, एक्चुअली टेकिंग दैट फॉरवर्ड, मैं क्यों अपने मैंने ये रास्ता चुना कि मैं अपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू, और सिर्फ फिल्में ही नहीं, मैं किताबें भी लिखता हूँ, कई सारी बच्चों की किताबें लिखी हैं मैंने, और वो भी कहीं ना कहीं सोशियो पॉलिटिकल है इन अ सब टेक्स्ट, क्योंकि मैं एक तरफा कॉन्वर्जेशन नहीं करना चाहता हूँ, मैं डायलॉग करना चाहता हूँ। और वो दो तरफा कॉन्वर्जेशन जब आप स्टोरी के थ्रू करने की कोशिश करते हो ना, सामने वाला इंसान खुल जाता है, और कहीं ना कहीं ये स्टोरी सारे मेरे इमोशनल हैं, आई एम होपिंग एंगेजिंग है, और एक थोड़ा ओपन एंडेड छोड़ता हूँ मैं, जैसे वो एक डायलॉग शुरू हो सके, नहीं तो फिर क्या ही पॉइंट है मुझ में और वो लोग जिनसे मुझे गुस्सा है, हम में क्या फ़र्क है अगर मैं डायलॉग करने के लिए मैं तैयार नहीं हुआ तो। बिल्कुल, कितनी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर हम गुस्से करने वाले लोगों को गुस्सा करके ही बताते हैं कि तुम गलत हो। एक सवाल बहुत ज़रूरी कि जब हम ये फिल्म बना रहे थे, जैसे आपने बताया अभी काफ़ी कहते हैं ना कि झारखंड के कुछ इलाकों में जाके ये फिल्म शूट हुई, बहुत सारे चैलेंजेस थे, कोई ऐसे सीन या कोई ऐसी चीज़ इस फिल्म के बारे में जो छाप छोड़ गई या हमेशा आपको याद रहेगी लंबे समय? मेरे बहुत सारे सीन हैं, कुछ एक सीन तो मुझे स्मिता तांबे जो बानो का रोल कर रही हैं उनके सीन मुझे, दूसरा सीन उसमें कोई नहीं है अगर आप सच में पूछे तो, एक जेसीबी, इतना बड़ा जेसीबी अचानक से जो है मिट्टी खोदता है और उसका मूवमेंट ऐसा लगता है जैसे कि एक दानव जो है धरती पर वार कर रहा है, जो उस तरीके से इन लोगों ने जो है शूट किया है, इतना बड़ा स्टेटमेंट है एनवायरमेंटल क्राइसिस का वो। और मैं अगर थोड़ा सा मैं अब सेल्फ सेंटर हो तो मैं कहूँगा कि जब पहली बार वो बच्चा अपने पड़ोसी से मुंबई के कंस्ट्रक्शन साइट पे लेता है और दूध का बोतल लेता है, मैं उसको मैं वो समय ऐसा था जब मैं मनोज बाजपेयी गायब हो गया था उस समय के लिए, और दसरू था वहाँ, ऐसे कुछ एक मोमेंट है जहाँ पे मनोज बाजपेयी गायब था, मैं क्योंकि परफॉर्म कर रहा था, और मैं वहाँ पर मुझे लगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, कि मैं जो चीज़ में अचानक से होश आ रहा है और मुझे लग रहा है अरे मैं था नहीं यहाँ पे, मैं कुछ और था, तो वो सब सीक्वेंसेस मेरे बड़े प्रिय हैं जी। आप सर बताएंगे कुछ कैसा झारखंड ने कैसे स्वागत किया शूटिंग करना के? झारखंड बहुत ही एक डाइकोटमिक स्टेट है, उसमें ग्रीनरी है तो इतनी लश और इतनी सुंदर ग्रीनरी है, और जहाँ माइनिंग हो रखी है वो इतना दहशतदार है, सो इट्स दैट कॉन्ट्रास्ट दैट ड्रू मी टू झारखंड, क्योंकि वो कैनवस ऑलमोस्ट अनरियल है जब आप ग्रीन से ट्रेवल कर वो रेड में जाते हो। बिल्कुल, और जब ज़ीशान अयूब जैसे कहते हैं ना, मैंने सुना उनको जब भगत टाइप एक आपका फैन जो वो मानते हैं अपने आप को, और वो जब आपके साथ एक्टिंग कर रहे थे, कुछ याद है कुछ कहा उन्होंने? नहीं, देखिए ज़ीशान को सबसे पहले मैंने ही फ़ोन किया था बहुत कुछ साल पहले, जी तो अच्छे एक्टर्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं उनको खाना खिलाऊंगा, मैं उनके साथ बैठूंगा, उनके साथ गप्पे मारूंगा, उनके साथ पार्टी भी करूंगा, मुझे एक्टरों के साथ में अच्छे एक्टर्स के साथ में बैठना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अपना मेरा मानना है कि टैलेंट जो होता है ना बड़ा रेयर ऊपर वाला किसी को देता है, बहुत रेयर है। बिल्कुल, अगर आप लाख
एक्टर्स हैं तो आपको टैलेंट बहुत कम में आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी मेहनत नहीं कर रहे हैं, टैलेंटेड को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका फिर यूटिलिटी नहीं है। तो मुझे प्यारे लगते हैं और मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले का चमत्कार है जो इनके साथ हुआ है, क्योंकि कितने लोग हम में से कह सकते हैं कि हम स्किल्ड हैं, कितने लोग कह सकते हैं कि हम जो है हम इस कैरेक्टर को समझ गए या हम तैयार हैं इसको कर, क्योंकि उनके अंदर में ये प्रतिभा है चीज़ों को जल्दी समझने की और जल्दी से एग्जीक्यूट करने की। अब मैं अपने बारे में कहूँ तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ा अपने आप को जो है सताना पड़ा, या कई यातना प्रताड़ना से गुजरना पड़ा टू रियली कम टू अ पॉइंट वेर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द अप्रोच ऑफ एक्टिंग, अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट ऑफ द क्राफ्ट। तो बहुत मेहनत, लेकिन जो लोग इनबॉर्न टैलेंट हैं वो मेरे ख्याल से दे आर यू नो दे आर द ब्लेसिंग्स। और हम जिशान जिशान वगैरह लोग जो हैं, जिशान हैं और भी बहुत सारे हैं जो उनके ही जनरेशन के, बहुत ही कमाल है जी। क्या बात है। तो जिशान आप मुझे बाद में थैंक यू बोल सकते हैं। देखिए आप कह रहे थे ना मनोज जी से कुछ बढ़िया सी चीज़ सुननी है, देखिए इससे बढ़िया एक जिस कलाकार को आप पसंद करते हैं वो अगर इतनी तारीफ़ कर दे और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो देवाशीष और मनोज जी मेरे साथ थे जिनसे हमने जोरम के बारे में बात की, एक ऐसी फिल्म जिसको दुनिया भर में तारीफ़ें मिल रही हैं लेकिन तारीफ़ से ज़्यादा ये फिल्म डिज़र्व करती है देखना, ये फिल्म डिज़र्व करती है हमारी सोच, हमारा थोड़ा सा समय और इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जिन प्रिविलेज के साथ हम जी रहे हैं कई बार उससे बाहर निकल के देखिए, बहुत सारा समाज, बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो उससे दूर है और हमें लगता है कि हमें जो मिला है वो कम है। तो आप शायद जब ये चीज़ें देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुतों के पास वो ज़रूरत से ज़्यादा है। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आई होप ये फिल्म कमाल करे। 8 दिसंबर को रिलीज हो रही है, चलते चलते कुछ कहेंगे सर? अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों की शिकायत रहती है दर्शकों की कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में नहीं बनाती है, हम अच्छी फिल्में नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि जोरम अब आपके सामने है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बड़ी तादाद में जा करके देखें, परिवार को दिखाएं। UA सर्टिफिकेट है तो बच्चे भी जा सकते हैं 13 साल से ऊपर, और ये फिल्म बाकी महंगी फिल्मों से सस्ती है टिकट के मामले में, लेकिन कंटेंट के मामले में बहुत सारी बड़ी फिल्मों से बहुत बड़ी बहुत महंगी है, बहुत बड़ी है। और थैंक यू कहना चाहिए इन दो कलाकारों को या और इस फिल्म से जुड़े हर उस कलाकार को जिसने ये महंगा सिनेमा हमें बहुत सस्ते टिकटों में दिखाने की पूरी तैयारी कर दी है। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।